हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं लेकर के आया हूँ मिस्टर एंड मिसेस माही मूवी रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंडिया में सबसे ज़्यादा दो चीज़ें बिकती है, एक सिनेमा और दूसरा क्रिकेट। और सोचो जब आपस में दोनों मिल जाए तो क्या होगा। होगा ये कि एक छोटे बजट का स्मॉल फिल्म फाइटर जैसी फिल्म को एडवांस बुकिंग में पीछे छोड़कर नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। बात मिस्टर और मिसेस माही का हो रहा है, जिसने सिनेमा डे पर सिर्फ 99 रुपीज में टिकट का लालच देकर 2 लाख से भी ज्यादा सीट्स फुल कर दिया सिर्फ नेशनल चेंस में। चलो थिएटर के बाहर हाउसफुल का तो बोर्ड लगा दिया, लेकिन एक्सपेक्टेशंस फिल्म के कंटेंट से वो कितना खाली कितना फुल सब कुछ बताऊंगा, टेंशन नॉट। फिल्म देखने से पहले सिर्फ एक एडवांस देना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से सुन लेना आप सब। अगर सच में इस पिक्चर को फुल एंजॉय करना है तो ट्रेलर बिल्कुल भी मत देखना। दो टाइप की ऑडियंस है, एक वो जो ट्रेलर देखकर थिएटर गए, उनको मिलेगा एसी की ठंडी हवा में गहरी वाली नींद। लेकिन दूसरे वाले लोग जो सिर्फ 99 रुपीस का लालच पकड़कर थिएटर चले गए बिना ट्रेलर देखे, आप लोगों का फुल मनोरंजन होगा विथ तगड़े वाले इमोशंस। कहानी क्रिकेट की है, अपने माही भाई के लिए लाइफ इज क्रिकेट, क्रिकेट इज लाइफ। लेकिन पापा ने मारी थप्पड़ और पकड़ा दी दुकान की चाबी प्लस सुंदर सी वाइफ। लेकिन जब किस्मत में हरमान तो गधा भी पहलवान, अपने माही भाई तो अच्छे खासे इंसान है। कहानी में ट्विस्ट, सिर्फ मिस्टर माही नहीं, मिसेस माही लव्स क्रिकेट। आप भी वही सोच रहे हो ना जो मैं बताने वाला हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बाप वर्सेस बेटा, इज्जत की लड़ाई सिर्फ तुम्हारा थोड़ी है, हम सब की लड़ाई है। और वैसे भी कमबैक करने पे सिर्फ शाहरुख खान का कॉपीराइट थोड़ी है, रियल लाइफ में भी कमबैक होते हैं ना सर, अपनी माही भाई का होगा। बस फर्क इस बार इतना है कि बैट मिस्टर नहीं मिसेस के हाथों में है और बॉल सीधा फील्ड से बाहर जाएगा छक्का। लेकिन इतनी जल्दी सिर्फ एक घंटे में हैप्पी एंडिंग हो जाएगा तो इंडियन सिनेमा बॉलीवुड से सीधा हॉलीवुड बन जाएगा। वो चीज तो हुआ ही नहीं जिसके लिए हम लोग 99 रुपीस का टिकट खरीदा था। क्लैश मिस्टर और मिसेस माही नहीं, मिस्टर वर्सेस मिसेस माही, यहाँ पे शुरू होगा असली सिनेमा। देखो फिल्म का सटीक रिव्यू है 50-50, कुछ लोगों को मस्त लगेगा तो कुछ लोगों को एकदम टाइम पास सिनेमा। फैमिली फिल्म है, मम्मी पापा दादा दादी सबको समझ आएगा। कहानी एकदम मिडिल क्लास वाला है, काफी रिलेटेबल लगेगा, इसीलिए थोड़ा बहुत इमोशनल तो जरूर फील करोगे। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 2 घंटे में फिल्म इश्क रोमांस रिवेंज क्रिकेट कमबैक सब कुछ फटाफट निपटा के कहानी खत्म कर देगा। बट दिक्कत ये है कि कहानी 101% प्रिडिक्टेबल है। अभी से समझ गए होगे आप कि फिल्म का एंड सीन कौन सा होगा और कैसे दिखाया जाएगा। स्पोर्ट्स ड्रामा जो लोग समझ के टिकट बुक कर रहे हैं, मुबारक हो, आपका कट चुका है। लेकिन फिर भी जानते हो मिस्टर एंड मिसेस माही 99 रुपीज में घाटे का सौदा क्यों नहीं है, क्योंकि ये वो क्वालिटी बॉलीवुड सिनेमा है जिसको पब्लिक अच्छे से समझती है। कितनी कम मूवीज आजकल ऐसे बनती है जिनको देखने के बाद आपका पूरा फैमिली के साथ उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हो, वो भी इस फिल्म का सुपर पावर है। फिल्म अलग ना सही लेकिन खराब किसी भी एंगल से नहीं है। जो खराब बोलता है वो फिल्म देखने से पहले ही अपने मन में ये चीज मान चुका था। सिंपल मॉडर्न साइंस तो बचपन में हर कोई जानता है, क्या स्कूल में पढ़ाना बंद कर देंगे। ठीक वैसा ही इजी फैमिली मिडिल क्लास सिनेमा हजारों बार बन चुका है, तो क्या उस पे फिल्म बनाना बंद कर देंगे। नया क्या है, एक्टर्स नए हैं ना, राजकुमार जानवी दोनों ने बढ़िया काम किया है, क्रिकेट और पर्सनल लाइफ के पीच पे खूब मारे हैं। राजकुमार तो ऑलरेडी श्रीकांत बनके बॉलीवुड में नामुमकिन को मुमकिन कर चुके हैं। हिट फिल्म डिलीवरी करना हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन सबकी आंखें इस बार जानवी के ऊपर है, जो शायद आप एग्री करोगे हर आने वाले फिल्म के साथ 100% ही सही, लेकिन खुद को बेटर एक्टर साबित करती है। शॉपिंग मॉल को देखकर हर कोई ताली बजाता है, लेकिन उसके नीचे खड़े हुए पिलर उसको कौन नोटिस करेगा भाई। कुमुद मिश्र का कैरेक्टर फिल्म में हम सबके बचपन वाले मम्मी पापा का है, 100% रिलेटेबल। तो MS धोनी वाला कोच, सर से आज वाला कनेक्शन वैसे का वैसा फील करोगे। तो यार मास क्लास और पता नहीं कौन कौन सी रेस में खुद को नंबर वन साबित करने वाली मूवी से थोड़ा ब्रेक लेवल फैमिली के साथ कुछ अच्छा देखना है तो ये फिल्म आपके लिए 100% पैसा वसूल होगा। जैसे मैंने काफी टाइम बाद किसी फिल्म को सिर्फ दिमाग से नहीं सिर्फ दिल से एंजॉय किया, इंटरटेनमेंट नहीं इमोशंस।
इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा कुछ खराब नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।